वर्ल्ड कप में सबसे तेज स्ट्राइक रेट से खेलने वाले 8 भारतीय बल्लेबाज, नंबर 1 जानकर खुशी होगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे वर्ल्ड कप में सबसे तेज स्ट्राइक से रेट से खेल चुके बल्लेबाजों के बारे में। तो चलिए जानते हैं उन बल्लेबाजों के बारे में। नंबर 1 कपिल देव। कपिल देव इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं और ये भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं। आपको बता दें कि इन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप में 115.1 की स्ट्राइक रेट में बल्लेबाजी की थी। नंबर 2 सुरेश रैना। सुरेश रैना इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं और ये भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज हैं। आपको बता दें कि इन्होंने वर्ल्ड कप में 107.50 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। नंबर 3 वरिंदर सहवाग। वरिंदर सहवाग भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं। आपको बता दें कि इनका वर्ल्ड कप में स्ट्राइक रेट 106.1 रह चुका है। नंबर 4 शिखर धवन। शिखर धवन इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं और ये भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज हैं। आपको बता दें कि इनका वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 91.75 रहा है। नंबर 5 रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इस लिस्ट में पांचवे स्थान पर हैं और ये भारतीय टीम के तूफानी बल्लेबाज हैं। आपको बता दें कि इनका स्ट्राइक रेट वर्ल्ड कप में 91.66 रन रहा है। नंबर 6 महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी इस लिस्ट में छठे स्थान पर हैं और ये भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप में धोनी को स्ट्राइक रेट 91.18 रहा है। नंबर 7 युवराज सिंह। युवराज सिंह इस लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं और ये भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप में स्ट्राइक रेट 90.33 का रहा है। नंबर 8 सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं और ये भारतीय टीम के पूर्व तूफानी बल्लेबाज हैं। आपको बता दें कि इनका वर्ल्ड कप में स्ट्राइक रेट 88.98 रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।